स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, इस चैप्टर की हम दो वीडियोस बनाएंगे, नेचर की एक वीडियो और वैल्यूएशन की एक वीडियो। आज वाले वीडियो में हम सिर्फ इसकी नेचर के बारे में ही पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। आज बस इस पे हम मीनिंग करेंगे, नेचर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, अब देखो मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड नेम। ठीक है, गुड बुक। ठीक है, तो कहते हैं गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ एसेट। ठीक है, दो तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट। ठीक है, जिसमें नॉन करंट के आगे फर्दर सब डिवाइडेड थे टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है, तो ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, जो कौन सा है? नॉन करंट है। ठीक है, बिजनेस में लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग टू इसकी जो एज है, ठीक है, इसका जो लाइफ टाइम है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये लंबे समय तक बिजनेस में रहता है। और ये होता कौन सा? इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। ठीक है, जिसको ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है। ठीक है, पर ये फिर भी हमें फील होता है बिजनेस में। ठीक है, विच प्लेसेस एंड एंटरप्राइजेस एंड एडवांटेजेस पोजिशन। पर ये इंटरप्राइजेस को किस प्लेस पे लेके आता है? एडवांटेजेस पोजिशन पे। ठीक है, जिसमें आप प्रॉफिट में जाना शुरू करते हो। कौन से? सुपर प्रॉफिट में। ठीक है, हायर प्रॉफिट्स में। ठीक है, ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, जिसके कारण अगर आपकी गुडविल होगी, ठीक है, आपकी रेपुटेशन होगी, आपका गुड नेम है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? हायर प्रॉफिट्स में जाओगे विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपने पहले एक मशीन लगा रखी, अब दो मशीनें लगानी पड़ेंगी, या फिर पहले आपके पास 50 वर्कर काम कर रहे हैं, आप 100 वर्कर लगाने पड़ेंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये बस आपकी रेपुटेशन, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन है ये आपके बिजनेस की। ठीक है, इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कर रखे हैं आपने, मेड इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में आपने एफर्ट्स किए थे। ठीक है, पुट द एंटरप्राइजेस इन द एडवांटेजेस पोजिशन। ठीक है, आपने एफर्ट क्या किया? आपने उनसे अच्छे से बात की कस्टमर से। ठीक है ना, आपने उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अगर वो आपके पास कोई भी कंप्लेंट लेके आए, आपने उनको वेलकम किया, आपने उनको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है। ठीक है ना, आपने उनको रीजनेबल प्राइस पे दिया है, तो आपने पास्ट में ये सारे एफर्ट्स कर लिए हैं और एडवांटेजेस कैसे मिलेगी आपको फ्यूचर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ एंटरप्राइजेस रेंडर्ड गुड सर्विस टू कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है? जो आपने पहले की थी, और एडवांटेजेस क्या है? फ्यूचर में मिलती रहेंगी। ठीक है, अब देखो एक कस्टमर आपकी दुकान से जाएगा जो फुली सेटिस्फाइड है आपकी दुकान से, ठीक है, आपकी क्वालिटी से, आपकी बातचीत से, वो 10 बंदों को बाहर जाके बताएगा और आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी रेपो बढ़ेगी, आपका नाम होगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेगी आपके बिजनेस को। ठीक है, द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड from quality of service which is in likelihood will bring them back to the enterprises। ठीक है, कहते अगर वो आपकी क्वालिटी से, आपकी सर्विसेज से फुली सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो इस चीज़ की लाइकलीहुड, इस चीज़ के चांसेस, संभावनाएं ज़्यादा हैं कि वो दोबारा फिर आएगा आपकी एंटरप्राइज में, फिर आपकी शॉप पे दोबारा आएगा वो पर्सन। ठीक है, इन टर्न द एंटरप्राइजेस विल अचीव हायर सेल्स। ठीक है, अगर कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे आ रहा है तो आप हायर सेल्स गेन करोगे, दस हायर प्रॉफिट्स होंगे आपको। ठीक है, अब हायर प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? देखो वो हायर प्रॉफिट्स लेते कैसे हैं? अब देखो आपने काफ़ी दुकानें देखी होंगी कि उनके दुकानों पे कितने कितने साल पुराना सामान ऐसे ही पड़ा रह जाता है। ठीक है ना, अब देखो अगर आपकी दुकान जो है वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना इजीली हर एक कस्टमर आपकी दुकान पे आ सकता है, मतलब फेवरेबल लोकेशन है आपकी। ठीक है ना, एक ऐसे बाजार के बीच में है कि आपकी दुकान पे हर एक वैसे घूमते घूमते ही आ जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे आपकी सेल उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और आपके कस्टमर के साथ डीलिंग्स इतनी अच्छी है, ठीक है, कि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आ जाए बस खुश होके ही जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे? हायर प्रॉफिट्स लोगे। नेक्स्ट है गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर। जो है कौन सी है? फ्यूचर के लिए है। ठीक है, अब देखो कैसे,
जैसे जो गुडविल है ना, जब हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूएशन, ठीक है, तो हम देखेंगे जो गुडविल की वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू डिटर्म करनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पर इसकी जो गुडविल की वैल्यू होती है ना, गुडविल जो है वो टोटली ना सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देते हो ना आप, जिसमें आपके पास ऑप्शंस आती हैं ए बी सी डी, उसमें से आप कोई एक टिक लगा देते हो और सभी का आंसर सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन करो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मांगता है वो, ठीक है, फिर आप सभी के व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, कोई अपने अकॉर्डिंग टू बताता है, कोई अपने अकॉर्डिंग टू बताता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो गुडविल है ना, ये टोटली सब्जेक्टिव है। ये अगर किसी भी चीज़ की कीमत बोली जाए ना आपको निकालने के लिए, तो कोई पर्सन भी सिमिलर कीमत नहीं निकालता, सब अपने अकॉर्डिंग टू निकालते हैं जो आपके दिमाग में उस चीज़ का प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कोई टीचर है, ठीक है, आपको टीच करता है, आपको पढ़ाता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट तो कहते हैं कि बहुत अच्छा करवाते हैं, ठीक है ना, 100% देते हैं उनको, ठीक है ना, मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छा, कोई कहते हैं कि नहीं 40% है, कोई कहता है 20%, मगर सब उनकी कीमत अपने अकॉर्डिंग टू लगाती हैं। ये सब्जेक्टिव है, ये गुडविल, इसकी वैल्यूएशन करनी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अब देखो, एक पर्सन है, अब देखो अगर हम कहें कि जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, उन्होंने ना अपना सूट की कीमत लगाई, ठीक है ना, कितनी गई 30 लाख, ठीक है। अगर हम अपना सूट बेचने जाएं, कोई फ्री में भी ना खरीदे, ठीक है ना, मतलब क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपकी गुडविल के ऊपर, आपकी गुड नेम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पर्सन के हाथ में है चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो गुडविल है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। अब अगर आपका गुड नेम है, आपकी अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है, तो आपके जो आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, जो आपने लगा रखे हैं, आपने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हाटएवर जो भी लगा रखा है, ठीक है ना, उसकी कीमत, उसकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कीमत नॉर्मल रिटर्न से कहीं ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है ना। अगर अच्छा नाम है तब की बात है, ठीक है। तो गुडविल इज अ प्रेजेंट वैल्यू है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट और एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर द बिजनेस, ठीक है, जो आपने प्राइस पेड किया हुआ है बिजनेस के लिए, ये टेंजिबल एसेट्स के लिए उनसे कहीं ज़्यादा है, इसका नॉर्मल रिटर्न से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको इसके, ठीक है, अच्छे नाम के, एज होल ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटर, जो आपने कंप्यूट करनी है, जो मैंने आपको तभी बताया कि सब अपने अकॉर्डिंग टू बोलेंगे, ठीक है, और एग्रीड वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट्स और परचेज, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है, एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, अगर गाँव में कोई ज़मीन बिक्री होती है वो सस्ती होती है, ठीक है, पर उसी तरह से अगर कोई अच्छी सिटी हो, ठीक है, कोई मेट्रोपोलियन सिटीज हो, ठीक है, उसमें उसी चीज़ की कीमत कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ किस चीज़ के कारण होती है, अच्छी रेपुटेशन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे सभी ने अपने अपने व्यूज़ दे रखे हैं गुडविल के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है, अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ गुडविल, गुडविल के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एक तो ना ये इंटेंजिबल नेचर की है, ठीक है, गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ना तो हम इसे देख सकते हैं ना इसे छू सकते हैं, ठीक है, पर हम इसे फील कर सकते हैं, ठीक है। बट कहते इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, पर ये फिक्टिशियस नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये इमेजिनरी नहीं है, हमें ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही इमेजिन कर लेते हैं, नहीं, हमें फील होती है, ये दिखती है हमें बिजनेस में अपने, ठीक है, फीलिंग होती है इसके लिए, ठीक है। तो कहते इट डज, नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एन एंटरप्राइजेस, ठीक है, पर इसकी एग्जिस्टेंस आपके बिजनेस से सेपरेट नहीं है, बिजनेस के साथ ही होती है, ठीक है, जब तक आपका बिजनेस है तब तक ही रहेगी, ठीक है ना। तो अगर आपका बिजनेस बिक गया है उसी समय ये जो गुडविल है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, गुडविल इसके साथ ही बिक जाएगी आपके बिजनेस के साथ, ठीक है। दस नॉर्मली इट हैज रिलाइजेबल वैल्यू बिजनेस इज सोल्ड, ठीक है, रिलाइजेबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको रियलाइज करते हो, आप इसको कन्वर्ट करते हो इंटू कैश में, ठीक है, जब क्या होता है आपका बिजनेस सेल होता है, ठीक है,
इसको भी रियलाइज, इसको भी रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, ठीक है, ये आपको हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे अभी हमने नरेंद्र मोदी जी की वो की थी एग्जाम्पल ली थी, तो अगर अच्छा नाम होगा तो अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे, अच्छी कीमत भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, जो गुडविल है वो ना एक ऐसी फोर्स है जो विच ब्रिंग इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो अट्रैक्ट करती है कस्टमर को कि बार बार वो आपकी दुकान पे आता है, ठीक है, वो एक ऐसी फोर्स है ये जो गुडविल है हमारी, ठीक है। कितने इट कम इन टू एग्जिस्टेंस, होता क्यों है, कैसे आता है वो बार बार, क्यों, कैसे वो फोर्स है उसको अट्रैक्ट करती है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि लोकेशनल एडवांटेजेस, ठीक है, आपका बिजनेस एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे इजीली रीच हो जाता है, आदमी आराम से आपकी दुकान तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे मॉल्स या फिर शोरूम्स खोलते हैं, ठीक है, पर वो खोलते एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब दुकान जो होता है वो मोस्टली कहाँ पे होते हैं, विलेजेस में होते हैं या फिर कोई ऐसे जगह पे होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जहाँ पे क्या होता है जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली हम सोचते हैं चलो छोड़ो इतनी दूर जाएंगे यहीं से ही सामान ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका शोरूम, अगर आपकी शॉप जो है वो एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इजीली हर एक पर्सन रीच कर ले, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको हायर प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, आपकी रेपो अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं, हर एक के साथ आप बहुत अच्छा डील कर रहे हो, हर एक पर्सन आपकी दुकान पर आता है बहुत खुश होकर जाता है, ठीक है ना, आप बहुत अच्छा से डील करते हो हर एक पर्सन को, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है, लोग आपकी दुकान से बहुत देर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड्स, अगर आप अच्छी ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेडमार्क का मतलब, ब्रांड्स का मतलब जो अनरजिस्टर्ड हो, ट्रेडमार्क का मतलब जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हो, ठीक है, अगर आपकी जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, और बढ़िया ब्रांड रेपुटेटेड, ठीक है ना, आपकी ब्रांड अच्छी है जैसे कि पूमा वगैरह है, नाइकी है, ठीक है, ये कितनी अच्छी ब्रांड्स हैं, नोकिया है, एप्पल है, ठीक है, जो लोगों के मुंह पे चढ़ी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी, तो ये भी रेपो, ये भी एक फैक्टर है जो इससे गुडविल आपकी क्या होती है, अच्छी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट्स हैं, ठीक है, अब देखो जो मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्शन वाली कंपनीज हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज जो हैं जहाँ पे प्रोडक्शंस की जाती हैं, ठीक है, उनके पास तो पेटेंट्स जो हैं वो होना चाहिए, ठीक है। पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, पेटेंट्स का मतलब होता है कि एक अधिकार, ठीक है, जैसे कि आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है, ठीक है ना, वो किसी और के दिमाग में भी आ सकता है, पर अगर वो आइडिया जो आपके दिमाग में आया है, जो आपने प्रोडक्शन की है, प्रोड्यूस करने का सोचा है, ठीक है, अगर प्रोड्यूस हो रहा है आपके उसमें शॉप में, ठीक है, और आपने उसको रजिस्टर भी करवा लिया है, ठीक है, तो वो आपका क्या बन गया है, पेटेंट बन गया, आपका राइट बन गया है, ठीक है। लास्ट ईयर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में इसको पढ़ा भी था कि WTA ने आपको 20 ईयर्स का राइट दे दिया है, 20 सालों का राइट दे दिया है, ठीक है, कि ये जो आपका आइडिया है ये कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो करना है, उस पर्सन ने यूज़ करना है तो वो आपको रॉयल्टी पे करेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर पेटेंट है, ठीक है, ये भी आपकी गुडविल का अच्छा कारण है, अच्छा फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट रेपुटेशन, अगर अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है, लोग आपको जानते हैं, आपकी रिकॉग्निशन एक पहचान है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे बार बार कोई भी पर्सन, कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट होगा, जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा सेल होगी, गुडविल होगी, रेपो होगी आपके मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गुडविल की जो वैल्यू है वो टोटली सब्जेक्टिव है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है, जैसे जिसके दिमाग में उस चीज़ की जितनी वैल्यू है, ठीक है, जितनी वो असेस करता है, ठीक है, वो उतनी ही वैल्यू लगाता है, ठीक है, एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यूअर की असेसमेंट के ऊपर, ठीक है। देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, अब जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, ठीक है, तो पार्टनरशिप में गुडविल की क्या इंपॉर्टेंस है, कहते इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, सेक्रीफाइस किया जा रहा है बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के द्वारा, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है, क्या बताया इस पॉइंट में, ये क्या बताना चाहता है, मान लो ना दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों की रेशियो इक्वली है,
ठीक है। और इन्होंने ना प्रॉफिट, अगर ये एक साल का प्रॉफिट, ईयरली जो प्रॉफिट है इनका, ये 60,000 ले रही है, तो 30,000 ए ले जाता है, 30 बी ले जाता है, ये दोनों खुश हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ए और बी दो पार्टनर तो थे ही, ठीक है। अब सी ना एक न्यू एडमिट हो गया, नया पार्टनर आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि इस साल भी, और इनकी रेशो भी मान लो कि इक्वली ही है, ठीक है, और इस साल भी इनका प्रॉफिट 60 ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो, पहले भी, पिछले साल भी इनका प्रॉफिट 60 ही था, रेशो इक्वली थी, 30-30 ले जा रहे थे, खुश थे। अब क्या हुआ, सी न्यू एडमिट हो गया है, न्यू एडमिटेड हो गया, इनका नया एडमिट आ गया है पार्टनर, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो 60,000 कमा रही हैं, रेशो इक्वली ही है तीनों की ही, ठीक है। अब देखो, अब इनको 30-30 थोड़े ना मिलेगा, अब तो थर्ड पार्टनर भी है, अब इनको कितना मिलेगा, 20,000 and 20,000। तो इट मीन्स अब इस न्यू पार्टनर के लिए इन दोनों ने अपना 10,000 and 10,000 रुपीज़ क्या किए, सेक्रीफाइस किए, सेक्रीफाइस कर दिया ना, त्याग दिया अपने। 10,000 इसको त्यागना पड़ा, 10 इसको, तभी इसके 20 पूरे हो सके हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अब देखो, ये दो पार्टनर जो हैं, ये तो पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे थे, आज इस पोजीशन में पहुंचे हैं 10 साल बाद के बेचारे 60,000 कमाने योग्य हुए हैं, ठीक है। इन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, तब कहीं जाके 10 साल बाद ये 60,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। और ये जो पार्टनर आज ही नया आया है, ठीक है ना, ये तो 38,000 ही 20,000 का मालिक बन गया, इनके बराबर का मालिक बन गया, ठीक है। तो ये जो पार्टनर हैं, ये इसे कहेंगे कि अब ये जो हमारी मेहनत है 10 साल की, ठीक है, हमारी एक रेपो है, हमारा गुड नेम है, इसके बदले में हमें कुछ दो, ठीक है ना, ये कुछ मांगेंगे उससे, ठीक है। तो वो क्या ला के देगा इनको, इनकी मेहनत के बदले शेयर ऑफ गुडविल, क्या ला के देगा वो, शेयर ऑफ गुडविल ला के देगा, ठीक है। तो हमने इस पूरे चैप्टर में शेयर ऑफ गुडविल ही निकालना सीखना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम गुडविल निकालना सीखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में हम उसी पर्सन का शेयर ऑफ गुडविल करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ गुडविल निकालना है। मोटिव क्या है, सिर्फ पार्टनरशिप में गुडविल निकालने का, हमने क्या निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसीलिए इसने लास्ट पॉइंट में क्या कहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्या निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइज्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, ला के देगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। कहते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स आर एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। दे कैन बी सीन एंड टच, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट। कहते इंटेंजिबल एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जो ना तो देखे जा सकते हैं ना छुए जा सकते हैं, जस्ट वी फील इट, ठीक है, सिर्फ हम उन्हें फील करते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ये सारे कौन से हैं, इंटेंजिबल हैं, ठीक है। अब ना जो AS 26 है, AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, 26 जो हैं इशूड बाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट है, जो उन्होंने ये कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इशू किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे डिफाइन किया गया है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन बता रखी है, ठीक है। और ये डेफिनेशन क्या है, कितना, इन इंटेंजिबल एसेट इज़ एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, ये वो एसेट हैं जो आइडेंटिफिएबल हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है इनकी, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा ट्रेडमार्क है,
ठीक है ना, वो हर एक कंपनी का अपना एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, पेटेंट्स है, ठीक है, आपका खुद का एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिफिएबल है बट नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं, ठीक है। अब देखो, नॉन मॉनेटरी का मतलब कि इनको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं डिफाइन किया जा सकता, जस्ट हम इनकी क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन का मतलब, वैल्यूएशन क्या होती है, सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। पर इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट हैं उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। हेल्ड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन, ठीक है, पर हम इसे यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, रेंटल टू अदर्स के लिए, ठीक है, रेंट पे देने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, ये सभी चीज़ों के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट है नेचर ऑफ गुडविल, कहते इट इज़ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट है। वैल्यूएबल का मतलब क्या है, अब देखो जैसे आप पढ़ोगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जब आपके पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो जाएगी, कोई नया एडमिट होगा, कोई रिटायर होएगा, कोई डेथ होगी, इवन के जब आपकी बिजनेस जो है वो सेल भी होगा, बेचा भी जाएगा, ठीक है, तब भी आप इस एसेट की जो इनटेंजिबल है, जो ना दिखता है ना छू सकते हैं, ठीक है, उसको आप वैल्यूड करोगे, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। तो ये जो एसेट है ये क्या है, वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। इट इज़ एमोटराइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर देखा, ये जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, टेंजिबल का मतलब जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये जो एसेट है, ठीक है, लैंड कभी डेप्रिसिएट नहीं होती, ठीक है, लैंड को छोड़ के बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये जो एसेट है जैसे जैसे हम इनको यूज करते हैं ये डेप्रिसिएट होते हैं, घसते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जो टेंजिबल एसेट है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है, इसी तरह इनटेंजिबल के ऊपर एमोटराइज्ड होते हैं वो, ठीक है, वो भी अपनी लाइफ के साथ साथ, ठीक है, क्या करते हैं, घटते चले जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26, ये याद रखना है, पेपर में आप को 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन जो है उनको डिफाइन कहां पे किया गया है, AS 26 में, ठीक है। तो यहां पे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 जो है, इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत कुछ कह दिया इस एक लाइन में इन्होंने, ठीक है। अब ये कहता है कि जो AS 26 है उसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो गुडविल है, ठीक है, वो तब शो होनी चाहिए बुक्स में जब आपने उसके लिए कुछ पे किया है, आपने कुछ कंसीडरेशन दी है, ठीक है। कहने का मतलब, जब भी आप अपनी बैलेंस शीट देखोगे, अपने क्वेश्चंस में बैलेंस शीट देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी साइड और इस साइड एसेट साइड दिखाई होगी, ठीक है, और अगर एसेट साइड यहाँ पे आपको गुडविल शो हो रही है, गुडविल, ठीक है, अगर बैलेंस शीट में जो भी आपको बैलेंस शीट्स दिखाई होंगी, ठीक है ना, उस बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिख रही है ऑलरेडी लिखी हुई, ठीक है, तो इट मीन्स आप समझ जाना कि ये गुडविल कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है। परचेज्ड का मतलब कि इन्होंने दुकान जो है वो खरीदी है और साथ में गुडविल भी खरीद ली, ठीक है। जब आपने किसी की दुकान खरीदने गए, दुकान की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, उन्होंने बहुत पैसे, बहुत मेहनत करके ये रेपो कमाई है, ठीक है, तो आपने उस गुडविल के लिए कुछ कंसीडरेशन पे किया होगा, तभी यहाँ पे गुडविल शो होगी, अदरवाइज बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल शो नहीं होगी, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये लाइन क्या लिखी है, कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये कहाँ पे लिखा है, AS 26 में लिखा हुआ है कि इनटेंजिबल एसेट, किसकी बात हो रही है इसमें, गुडविल की, ये कोई इनटेंजिबल की बात नहीं हो रही, पेटेंट ट्रेडमार्क की गुडविल की बात हो रही है अब यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है जो गुडविल है प्रिस्क्राइब, कहते अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब्स दैट, ये प्रिस्क्राइब कर रहा है AS 26, गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, जो गुडविल है वो नहीं शो होनी चाहिए, ठीक है, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट, ठीक है, जब
तक उसके लिए कुछ पे ना किया जाए, ठीक है। अगर आपने कुछ पे किया है, ठीक है, जैसे कि आपने किसी की दुकान खरीदी, साथ में गुडविल के भी पैसे दिए हैं आपने, ठीक है, तब ही ये आपकी बैलेंस शीट्स में शो होंगी। बुक्स का मतलब क्या है? बैलेंस शीट, ठीक है। सिर्फ ये बैलेंस शीट में तभी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जब कुछ कंसीडरेशन पेड किया है, ठीक है। अगर आपने कंसीडरेशन पे नहीं किया, फिर ये गुडविल आपकी कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देयर फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, अब आपकी नई दुकान आपने खुद शुरू की है और आपने खुद कमाया है गुडविल को, ठीक है, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, ठीक है, तब नहीं आपने कभी भी बुक्स को दिखाना बुक्स में, ठीक है। अब देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि आप अपने आप को किसी के सामने शो करो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है ना, मुझे ये बनाना आता है, मुझे ये आता है, ठीक है ना, मैं इतनी अच्छी परसेंटेज लेके पास होता हूँ, तो अपनी मैं आप करते रहते, ये अच्छा सा नहीं लगता, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने आप की तारीफ अपनी बैलेंस शीट में हम नहीं करेंगे, ठीक है। देयर फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर एज परचेज्ड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। कौन सी करेंगे? सिर्फ परचेज्ड, अगर आपने खरीदा है, अगर गुडविल के बदले में आपकी जेब से कोई पैसा गया है, फिर आपने बैलेंस शीट में शो करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि वैल्यू क्या है? सब्जेक्टिव है, हमें नहीं पता लेने वाला पर्सन इसे कितने में कीमत में दे, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट एविडेंस्ड बाय पेमेंट, ठीक है, और इसकी हम एज अ एविडेंट, ठीक है ना, इसे ऐसे नहीं कह सकते कि हमें पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। कई बार क्या होता है, कोई बिजनेस जो है वो जब बिकता है तो गुडविल जो है वो जीरो में चली जाती है, जीरो में, तो हमें नहीं पता, ये टोटली सब्जेक्टिव है, हमें नहीं पता कि सामने वाला हमारी गुडविल की क्या वैल्यू लगाएगा, ठीक है। अमाउंट डज नॉट एक्सचेंज हैंड, ठीक है, और अमाउंट हाथ में कुछ नहीं आता, ठीक है। ऑन द अदर हैंड परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड बींग एविडेंस्ड बाय पेमेंट, ठीक है, पर परचेज गुडविल तो आपकी जेब से गई, आपको पता है कि मैंने गुडविल के बदले में उन्हें 40,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो आपकी जेब से पेमेंट गई है तो ये एविडेंस है, ये सबूत है आपके पास, ठीक है, तो यहां पे आप इसे शो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, ठीक है। अब कब जरूरत होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान से देखना, कब कब जरूरत पड़ती है हमें गुडविल को वैल्यूएशन करने की, ठीक है, कब पड़ेगी? नेक्स्ट चैप्टर में, हर एक चैप्टर में पड़ेगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब आपकी रेशो चेंज होगी, न्यू कोई एडमिट होगा, जब कोई रिटायर होएगा या किसी की डेथ होएगी पार्टनर की, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज बीइंग कंसर्न, व्हेन टू और मोर फर्म्स एमलगामेट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये 2 चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे, बाकी ये पढ़ोगे, ठीक है, पर आपने इनको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है। कई बार क्या होता है, पेपर में वो दे देगा आपको कि गुडविल जो है वो वैल्यूड होगी इन दिस केस, ठीक है, 3 केस आपको बता देता है, कहेगा कोई 2 केस आप बताइए, ठीक है, फिर आप इसको पढ़ के जाओगे तभी बता पाओगे ना वहाँ पे, तो आपने तो ये सारे ही पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। तो इन केसेस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये मैं आपको तब बताऊँगी जब हम वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में कि कैसे करेंगे, अभी जस्ट हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं जिससे आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, ठीक है, गुडविल की। फर्स्ट क्या है, कहते गुडविल ऑफ द फर्म इफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी इंक्रीज होगी अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर अच्छी रेपुटेशन है तो पर्सन बार बार आपकी दुकान पर आएंगे, ठीक है, आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, इफ़ द मैनेजमेंट इज़ एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, आपके पास जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब जो आपके पास मालिक है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंटली मैनेज करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो मशीनरी है, सभी को, ठीक है, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाई
हायर प्रोडक्शन करोगे एट लोअर कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। और कहते हैं इफ़ द मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, ये तभी हो सकता है अगर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है। अगर फ्रेशर है तो उनको काम ही नहीं करना आता, शुरू शुरू में कितनी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं इफ़ द मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट है, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब कैपेबल हैं, सारे पर्सन जिस पोस्ट के लिए उनको रखा गया है वो उस पोस्ट के लिए टोटली मैच्ड हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्म क्या होगी, ऑब्वियसली हायर प्रॉफिट गेट करेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर फर्म, ठीक है। इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी गुडविल, आपका गुड नेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फेवरेबल लोकेशन, ठीक है। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, आपकी जो दुकान है वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे इजीली रीच हो जाता है, हर एक पर्सन इजीली पहुँच सकता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी दुकान पे ज़्यादा रश होगा, ठीक है। कहते हैं इफ द बिजनेस लोकेटेड एट फेवरेबल प्लेस पे है, रिजल्टिंग इंक्रीज कस्टमर वॉक इन, ठीक है, इजीली कस्टमर, ठीक है ना, आ सकते हैं वहाँ पे, देयर फॉर इंक्रीज सेल, कहते हैं इंक्रीज होगी सेल और गुडविल विल भी हायर होगी आपकी, ठीक है, अच्छा नाम होगा। नेक्स्ट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सम टाइम अ फर्म हैज़ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, फर्म के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक पर्सन हमारी दुकान पे आ जाता है, बस वाह वाह हो जाती है, कह देते हैं कि बस इसी दुकान पे बार बार आऊँगा मैं, ठीक है ना। तो उसको, उसके साथ आप इतनी अच्छी डील करते हो, कहते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं फॉर सेल के और परचेज ऑफ गुड्स और फेवरेबल प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। तो कहते हैं दिस विल इफेक्ट द प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। इससे भी अच्छे, ठीक है, क्या होंगे आपके, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण भी आपका गुड नेम होगा, अच्छी गुडविल होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आपका बिजनेस लॉन्ग, बहुत देर से एस्टेब्लिश हो रखा है, तो फॉर लॉन्ग आर लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव ब्रॉडर कस्टमर है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। अगर आप अच्छा उन्हें अच्छी डीलिंग्स कर रहे हो उनके साथ, उनको अच्छा रीजनेबल प्राइस पे सामान दे रहे हो, ठीक है, बेस्ड रिजल्टिंग इन हायर सेल, ठीक है, तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग आप के साथ जुड़े होंगे, आपकी सेल भी अच्छी होगी, आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा और ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल भी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट, ठीक है। अगर आपके पास, आपके, आप एडवांटेज ले रहे हो, पेटेंट है आपका एक, ठीक है, आपका अलग से खुद का एक ऐसा आपने फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनका खुद का ही एक यूनिक सा फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, तभी तो वो मार्केट में नई चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है। नॉर्मली पेटेंट एट नेसेसरी है, पेटेंट जरूरी होता है फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टन टाइप ऑफ आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। अ फर्म विच पोजेस द नेसेसरी पेटेंट्स, ठीक है, और जिन लोगों के पास ये पेटेंट होता है, खुद का एक अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है उन्होंने, नई एक यूनिक सी चीज़ अपनी मार्केट में प्रेजेंट की है, ठीक है, विल हैव द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल, ठीक है। तो उनकी गुडविल है, उनकी रेपुटेशन है, ठीक है, उनका नया, आप देखो जैसे कि पहले मोबाइल कभी किसी ने देखा भी नहीं था, जब पहली बार प्रोडक्शन होके, प्रोड्यूस होके, ठीक है, वो मार्केट में आया, ठीक है, तो उसकी कितनी डिमांड हो गई है, ठीक है, तो पेटेंट की भी एडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, असेस टू सप्लायर्स, ठीक है। अब देखो असेस सप्लाईज जो हैं, ठीक है, अगर आप की जो दुकान है वहाँ पे कोई कस्टमर को खड़ने का मौका ही ना दिया जाए, ठीक है ना, मतलब आप उनको, एक तो दुकानदार होते हैं जो कह देते हैं जी लिखवा के चले जाओ, आपका सामान हम एक दो दिन में मंगवा देंगे, ठीक है, और फिर हम चक्कर काटते रह जाते हैं, वो कभी सामान ही नहीं मंगवा के देते, ठीक है। पर एक होता है जिनकी दुकान पे एवरी टाइम अवेलेबल रहता है सामान, ठीक है, तो कहते हैं व्हेन सप्लाईज ऑफ द मटेरियल आर डिफ़िकल्ट टू गेट, ठीक है, पर अगर सप्लाईज जो हैं मटेरियल की, ठीक है, डिफ़िकल्ट है, लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है, देयर विल बी अ हायर वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द फर्म विच हैज़ गुड अरेंजमेंट फॉर गेटिंग रेगुलर सप्लाईज, ठीक है, जो रेगुलर सप्लाईज दे रही हैं, ठीक है, उनकी क्या होगी, अच्छी गुडविल होगी, ठीक है, और जो खड़ा करके रख लेते हैं और मटेरियल बहुत मुश्किल है सप्लाई उनकी लेनी, ठीक है, वो गुडविल कहाँ होगी, कभी भी नहीं हो सकती उनकी, तो ठीक है। तो आपने अगर गुडविल करनी है, ठीक है, तो फैक्टर क्या है इसका, कि आपने असेस करनी है, सप्लाईज उनको देते रहना इमीडिएटली, ठीक है,
नेक्स्ट है क्वालिटी। अगर अच्छी क्वालिटी का गुड दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हो, ठीक है ना, और तो फिर मार्केट में ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। इफ़ द फर्म इंजॉय गुड रेपुटेशन फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देयर विल अ रेडी फॉर सेल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल देयर फॉर विल बी अ हाई, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के गुड्स के लिए सेल भी अच्छी होती है, ठीक है, और गुडविल भी अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। अब मार्केट की क्या सिचुएशन है, ठीक है, मान लो कि जिस जगह पे आपकी दुकान है, ठीक है, उसके आसपास वो चीज़ बिकती ही नहीं। मान लो देखो, अब गर्मियों का मौसम है, एसी है, एसी मार्केट पे कहीं है ही नहीं, सिर्फ आपकी ही दुकान पे अवेलेबल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि सारी दुकानों को छोड़ के लोग कहाँ पे आएंगे, सिर्फ आपकी दुकान पे सामान लेने के लिए आएंगे, ठीक है। तो कहते इफ़ अ फर्म इज इन अ बिजनेस वेयर इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट डील इन द हायर देन द सप्लाई, ठीक है, जहाँ पे जो डिमांड है, अब लोगों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और आप किससे डील कर रहे हो, ठीक है, उस चीज़ से, जैसे कि आप एसी से डील कर रहे हो, सिर्फ सप्लाई कहाँ पे है, आपकी दुकान पे है। इट विल लीड टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट तो कम होगी, हायर प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, आपकी दुकान पे ही सामानों की क्या होगी, डीलिंग होगी। इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपकी क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, ठीक है, जिस बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, कहते हैं कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है लोगों फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। इफ द रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस आर हायर देन द नॉर्मल, द बिजनेस विल हैव अ लेस वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ द बिजनेस फेसेस लोअर रिस्क होगा, ठीक है, देन द हायर वैल्यू ऑफ गुडविल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, इफ द बिजनेस जो है ऑफ द फर्म इज ऑफ द नेचर वेयर द प्रोडक्ट डील इन आर हायर डिमांड, ठीक है, अगर आपके बिजनेस की ऐसी नेचर है, बिजनेस आपका ऐसा है कि जहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है जिसकी हायर डिमांड है, मार्केट में डिमांड ही बहुत है, ठीक है, ऑल्सो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई, ठीक है, और सप्लाई भी कम नहीं, आप उसको रेगुलर दे रहे हो, तो प्रॉफिट विल बी हायर होंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था एसी की, अगर आप एसी में ही डील कर रहे हो, आपका बिजनेस ऐसा है, ठीक है ना, कि आप किस में डील कर रहे हो, एसी में, ठीक है, और एसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है गर्मियों में, ठीक है, और सप्लाई कहाँ पे मिल रही है, सिर्फ आपकी दुकान से मिल रही है, ठीक है, और कहते तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, इससे भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, अगर जब आपने दुकान शुरू की, ठीक है ना, तभी से ही आप उनसे अच्छी डीलिंग करने लग जाते हो, तो फ्यूचर में क्या होगा, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी, गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर की, ठीक है, और अगर आज आप अच्छा करोगे तो फ्यूचर में क्या करोगे, अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। द फर्म अर्निंग हायर प्रॉफिट्स ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है ना, अच्छी मेहनत करते हो, साल के साल आप अच्छा प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हो, ठीक है, विल हैव बेटर वैल्यू फॉर द गुडविल एज कम्पेयर टू फर्म अर्निंग लेसर प्रॉफिट और इंकरिंग लॉस, ठीक है, विल सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। जैसे कि 2001 में एक पर्सन ने दुकान शुरू की, ठीक है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा कर रहा था, मतलब देख देख के 10 रुपये की चीज़ 11 में बेची उसने बेचारे ने, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से उसने अपने उसका किया गुजारा किया, पर बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता रहा, लोग उसकी दुकान में बार बार आते रहे, ऑनेस्ट पर्सन था, कोई एडल्ट्रेशन नहीं कर रहा था, ओवर स्टॉकिंग कुछ नहीं थी उसकी ऐसी, ठीक है। तो धीरे 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 2020 तक वो हायर प्रॉफिट्स में जाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये सारा किसका इम्पैक्ट होता है, पास्ट परफॉर्मेंस का, ठीक है। अगर आप अच्छी डील करोगे, इजीली अवेलेबल करवा दोगे हर एक सामान, ठीक है ना, और अगर आप सारे अपने जितने भी आपकी पार्टीज हैं, ठीक है, वो आपसे फुली सेटिस्फाइड रहेंगी, आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश हैं, आपके वर्कर्स आपसे खुश हैं, आपके कस्टमर आपसे खुश हैं, तो ऑब्वियसली ही आपकी क्या होगी, गुडविल होगी, रेपुटेशन होगी, ठीक है। और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई पर्सन आपके पास कंप्लेंट लेके आ गया, आपने मुंह बना लेना, नहीं,
आपने उनको वेलकम करना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो आपकी दुकान पे दोबारा आया है तो वो तभी बार बार आएगा, ठीक है, अगर आप उससे अच्छे से डील करोगे, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। गुड कस्टमर रिलेशन, आपने अच्छी रिलेशन बना के रखनी है हर एक कस्टमर के साथ, आपने अच्छी डीलिंग करनी है, उनसे अच्छे से बात करनी है, ठीक है। गुड लेबर रिलेशंस, ठीक है, सिर्फ हमने कस्टमर को ही प्रायोरिटी नहीं देनी, जो हमारी लेबर है, ठीक है, जो हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो हमारी गुडविल कहाँ से होगी, ठीक है, प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे हायर, ठीक है। तो हमने लेबर से भी अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे तभी हमारी गुडविल क्या होगी, हायर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह की होती है, सिर्फ दो तरह की होती है गुडविल, ठीक है, कौन कौन सी, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नॉन परचेज्ड गुडविल भी बोल सकते हैं। परचेज्ड गुडविल कहती है, परचेज्ड गुडविल इज दैट गुडविल, ये वो गुडविल होती है फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिड्रेशन, ठीक है, जिसमें फर्म से कुछ दिया जाएगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में कुछ देना, ठीक है, जब हमारे पास कुछ आ रहा है तो हमने भी कुछ देना है, तो वो हम क्या दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं और काइंड भी दे सकते हैं, ठीक है। काइंड का मतलब अगर आप कैश के बदले में, ठीक है, कैश ना दे के कोई एसेट दे रहे हो, ठीक है, एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, अगर आप कोई एसेट दे रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं काइंड, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर कुछ भी कंसिडरेशन आपके हाथ से कुछ जा रहा है, ठीक है, चाहे वो इन द वे ऑफ कैश है चाहे काइंड है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब हम गुडविल को कैसे डिफाइन करते हैं कि गुडविल कैसे दी जा रही है। व्हेन अ बिजनेस इज परचेस्ड, मान लो ना हम किसी का ना बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एक बात याद रखना, जब हम कोई चीज़ में कोई एसेट बेचेंगे ना, कोई एसेट खरीदेंगे, तो हम लिखते हैं एसेट्स टू वेंडर, जो भी पर्टिकुलर सेलर होगा, ठीक है, सेलर, एसेट को बेचने वाले को वेंडर बोलते हैं, जैसे हम गुड्स को बेचने वाले को सेलर बोलते हैं, ठीक है। तो एसेट अगर कोई आएगा तो हम लिखते हैं एसेट टू वेंडर, एसेट आ रहा है सेलर, वेंडर कौन है, सेलर, जो कि दे रहा है, ठीक है। मान लो कि हमने एसेट खरीदी है फ्रॉम मोहन से, ठीक है, तो हमारा वेंडर की जगह क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एसेट टू मोहन, ठीक है। पर अगर यहाँ पे वर्ड आ जाए बिजनेस, ठीक है, मतलब हम पूरे को पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एसेट टू मोहन नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू मोहन। तो इट मीन्स पूरे का पूरा बिजनेस का मतलब क्या है कि हम उसकी एसेट खरीद रहे हैं और हम कह रहे हैं कि तेरी लाइबिलिटीज हम ही पे कर देंगे, तो पूरे का पूरा हमें अपनी दुकान ही देके चला जा बस, ठीक है। जब भी अकेला एसेट खरीदेंगे तो यहाँ पे वर्ड आएगा एसेट टू वेंडर, ठीक है, और अगर हम पूरा बिजनेस ही खरीद रहे हैं तो आएगा एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, का नाम हमने अब क्या रख लिया था, मोहन, ठीक है। अब देखो कहते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन अ बिजनेस इज परचेस्ड, जब आप एक बिजनेस खरीदोगे तो एंट्री हमारी ये वाली होगी एसेट्स टू लाइबिलिटीज, ठीक है, कहते एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन होगी द नेट वैल्यू। अब नेट एसेट का मतलब क्या होता है, जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना है, ठीक है। देखो ये ना हमारी जैसे कि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के देखते हैं, हमने जस्ट ये टर्म को समझने की कोशिश करना है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है और ये है हमारी एसेट साइड, ठीक है। लाइबिलिटीज़ टू टाइप्स की हैं हमारे पास, इंटरनल एंड यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये टू टाइप्स की हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्दर टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। और एसेट हमारे मेनली टू टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स,
ये दो हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, कहते व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ठीक है, ये नेट एसेट से ज़्यादा होती है। नेट एसेट कैसे निकाला करते हैं, जब टोटल एसेट्स, ठीक है, एसेट्स जो हैं माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, टोटल एसेट में से जब हमने करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, को हमने माइनस कर देना है, हम कहते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। जब हम टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, इसे बोलते हैं नेट एसेट्स, ठीक है। अब वो पर्सन कह देता है कि मुझे भाई कंसिडरेशन चाहिए 10 लाख रुपये, कहता मुझे ना मेरा जो बिज़नेस है वो आप सारा ख़रीद लो और मुझे बदले में दे दो 10 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो हम उस पर्सन को कितने दे रहे हैं, 10 लाख, पर हमारे नेट एसेट्स पता है कितने के आए हैं, 9 लाख के। जब हमने टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस किया तो हमारे 9 लाख, मतलब हमारी टोटल आ गई 18 लाख की, लाइबिलिटीज़ हैं 9 लाख, 18 में से 9 गए तो 9 लाख बच गए। अब देखो हमारे नेट एसेट तो कितने आए हैं, 9 लाख, हमने देने कितने हैं 10 लाख, तो इट मीन्स जो हम एक्स्ट्रा 1 लाख दे रहे हैं ना इस पर्सन को, ठीक है, वो क्या है, गुडविल है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं वो क्या है, गुडविल है, ठीक है। तो इसने कहा है द डिफरेंस अमाउंट, कहते हैं जो डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, ठीक है, 9 और 10 में से ये जो डिफरेंस है अमाउंट इज़ द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल, ठीक है, ये क्या है, परचेज गुडविल है, ठीक है। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि AS 26 जो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो कहता है कि जब भी आपने कुछ कंसिड्रेशन पे करनी है, ठीक है, और अब इस केस में हम इनकी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब भी हम इनकी बैलेंस शीट बनाएंगे ना, ठीक है, अगले साल, तो हमने यहाँ पे गुडविल शो कर देनी है कितनी, 1 लाख रुपीज, ठीक है। देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल, कहते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी बिजनेस हाउस एक्वायर, ये ना एक्वायर कर रहा है, परचेज कर रहा है, कहाँ से, महागन बिजनेस से, फॉर अ नेट कंसिडरेशन 10 लाख। अब देखो महागन को हमने कितने पैसे देने हैं, 10 लाख रुपए देने हैं ए बी बिजनेस ने, ठीक है। अब कहते एसेट एक्वायर वर वैल्यूड 20 लाख, ठीक है, एसेट की वैल्यू कितनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं, ठीक है, टोटल एसेट वो कितने के हैं, 20 लाख रुपए के हैं, ठीक है, और जो नेट लाइबिलिटीज़ हैं ओनली करंट लाइबिलिटी वो कितने की हैं, 12 लाख रुपए की, ठीक है, 20 में से 12 लाख माइनस कर दो, कितने बच गए, 8 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पे नेट एसेट कितने आए हैं, 8 लाख के, पर मांग कितने रहा है, 10 लाख, तो इट मीन्स जो 2 लाख है वो कौन सी है, वो गुडविल है, ठीक है। तो कहते पेड इन एक्सेस ऑफ नेट एसेट, जो आपने ज़्यादा दिए इन टू वर्ड्स गुडविल, विच इज़ परचेज गुडविल, ठीक है, ये क्या है, परचेज गुडविल है, ठीक है। अब देखो AS 26 क्या कह रहा है, हमने पहले भी पढ़ा था ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा है कि एक नंबर में आ सकता है, याद रखना है इसे, ठीक है। AS 26 इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, कहता है जो इंटेंजिबल एसेट गुडविल की बात हो रही है, प्रिस्क्राइब दैट परचेज गुडविल मे बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, ये आप रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हो, ठीक है, मे बी वर्ड आता है इसमें मोस्टली, ठीक है, पर लिखा होता ही है हमेशा ही जब भी आप खरीदते हो, ठीक है, रिटर्न ऑफ एट अर्लीएस्ट बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो अर्लीएस्ट का मतलब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जब भी आप गुडविल को वैल्यूड करोगे, ठीक है, हमने पढ़ा था ना ये कि गुडविल की वैल्यूएशन कब कब होती है, ठीक है, जब हम रेशियो चेंज करते हैं, जब कोई नया एडमिट होता है, रिटायर होता है, या डेथ होती है, या फिर, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहता आपने जब भी ये केस यहाँ पे गुडविल वैल्यूड करनी है, ठीक है, वैल्यूएशन से पहले अगर कोई परचेस्ड गुडविल पड़ी है, हमने उसे क्या करना है, राइट ऑफ करना है, ठीक है, राइट ऑफ का मतलब हमने उसे खत्म कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसने ये बहुत बड़ी बात बोल दी है कि AS 26 कह रहा है कि इसे एसेट साइड लिखो, ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड का मतलब बुक्स में रिकॉग्नाइज की जा रही है, पहचान की जा रही है, गुडविल दिखाई जा रही है लिख के, ठीक है, कि गुडविल कितने की है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब देखो अगर एसेट साइड है तो इट मीन्स ये रिसीव्ड तो नहीं है ना, ये रिसीव एबल है, अभी आने वाली पड़ी है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा,
मान लो कि ना जो हमने बिजनेस खरीदा है, ठीक है ना, महागन बिजनेस से ये भी बिजनेस खरीद रहा है, मान लो कि वो दो पार्टनर हैं, ठीक है ना, रेशियो दोनों की इक्वली है, ठीक है, और जब ये अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे उन्होंने एसेट साइड क्या लिख देनी है, गुडविल लिख देनी है। कितनी लिख देंगे, 2 लाख रुपए, क्योंकि इन्होंने 2 लाख दिया है ना। अब देखो बच्चे, अगर गुडविल एसेट साइड लिखी हुई है तो ये रिसीव्ड तो नहीं है ना। एसेट का मतलब तो क्या होता है कि ये रिसीवेबल है, अभी आने वाली पड़ी है, और लेनी किससे है, गुडविल मालिकों से ही लेनी है, मालिकों ने ही खरीदी है, बिजनेस के लिए खरीदा गया है ये, ठीक है ना। तो कितने जब भी कितने यहाँ पे लिखा है AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब द परचेज गुडविल मे बी रिकॉग्नाइज इन बुक्स, हमने दिखा दिया, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर दी बुक्स में, ठीक है, ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट, ठीक है, बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। में इसको रिटर्न ऑफ भी करना है, कब रिटर्न ऑफ करना है, जब भी आपकी गुडविल वैल्यूड होगी, ठीक है, चेंज इन रेशो में भी हमने इसको रिटर्न ऑफ करना है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, ठीक है, तो हमने इसको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, मालिकों से हमने इसके पैसे ले लेने हैं, ठीक है। अब देखो कुछ केसेस, जैसे कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा उसमें ना रेशो इनकी 1:1 थी, ठीक है, और आगे जाके इन्होंने रेशो जो है वो चेंज कर ली, रेशो इन्होंने जाके मान लो इन दोनों ने ना अपनी रेशो चेंज कर ली, रेशो इन दोनों ने कर ली है 3:2, ठीक है, पहले कितनी 1:1, अब कितनी है, रेशो इन्होंने चेंज कर ली, ठीक है। अब देखो जब इन्होंने खरीदा था गुडविल को, फिर इन दोनों ने पैसे कितने देने थे, 1 लाख रुपया ए ने देना था, 1 लाख रुपया बी ने देना था, बट अब क्या होगा, अब इनकी रेशो चेंज हो गई है, अब हम कितना पैसा मांगेंगे, 2 लाख का, अब इसको कितना देना पड़ेगा, 1,20,000, और इसको देना पड़ेगा 80,000 रुपया, ठीक है, ये झगड़े का कारण है, ये कहेगा मैं ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, ठीक है, ये कहेगा मैं, ये तो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इससे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट है, एसेट मालिकों को देना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये झगड़ा ना हो, ठीक है, ये डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसीलिए रेशो चेंज होने से पहले पहले आपने क्या करना है, इसको राइट ऑफ कर लेना है, ठीक है, इनसे मंगवा लेना है ये पैसा, कि पैसा लेके आओ भाई, ठीक है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे यही वर्ड बोला है, रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट, इसको राइट ऑफ करना है, हमने खत्म कर देना है जल्दी से जल्दी, बट विद इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में ही, ठीक है, जहां तक इसकी यूजफुल लाइफ है तब तक ही करना है, ठीक है। फीचर्स क्या है परचेज गुडविल के, फर्स्ट है इट नॉर्मली अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, कब होता है ये, जब बिजनेस खरीदते हैं, सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, जब कुछ जाता है आपकी जेब से सिर्फ तभी परचेज होती है, ठीक है, इट मे बी रिकॉग्नाइज, ठीक है, मे बी वर्ड वो बार बार इसलिए कह रहा है क्योंकि कई बुक्स में आप देखोगे कि गुडविल परचेज को बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ लोग नहीं भी लिखते, ठीक है, तो कहते इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, ठीक है, और यहाँ पे ये शोन की जाएगी किसमें, बैलेंस शीट में, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल जो है, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट है, ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है कि सब्जेक्टिव है, बट इट इज असर्टन व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री, ठीक है, ये कब असर्टन की जाएगी, जब दोनों एग्री हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी दुकान का जो गुडविल है वो बोल रही हूँ कि मैंने तो जी 2 लाख लेने हैं, ठीक है, जो परचेजर है वो कहता है ना जी ना मैं तो 1.5 लाख दूंगा, मैंने कहा ना जी ना मैं तो 2 लूंगी, वो कहता है नहीं 1.5 दूंगा, चलो फिर हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया 1,80,000 फाइनल हो गए, ठीक है। तो ये असर्टन होगी जब परचेजर और सेलर दोनों एग्री हो जाएंगे इसकी वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। इट इज एमोटराइज्ड एट द अर्लीस्ट, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, घटता रहेगा, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएट होता रहता है एसेट, बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, खत्म होने तक नहीं, ठीक है ना, पहले ही जैसे हम गुडविल अपनी उसमें करते हैं बैलेंस शीट में, अपने जितने भी अपने एसेट्स हैं उनको डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, ये हमेशा ही कहाँ पे एक्सपेक्ट करती है, कहाँ पे डिपेंड करती है आपकी गुडविल, जो परचेजर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, जो फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, जैसे कि अगर मैं किसी की दुकान खरीद रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये सोच के खरीद रही हूँ कि जैसे वो पर्सन इतना
प्रॉफिट ले रहा था, उसके कस्टमर इस दुकान से जुड़े हुए थे, इसी तरह से मेरे साथ भी वो वैसे ही जुड़े रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, मान लो कि एक स्कूल है, ठीक है ना, एक स्कूल में कितने ही स्टूडेंट्स हैं, मान लो कि एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 2000 है, ठीक है, और बना बनाया स्कूल किसी और पर्सन ने खरीद लिया, ठीक है, तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि इस स्कूल में इतनी ही एडमिशंस रहेंगी, ठीक है, तभी वो इसे खरीद लेता है, तभी वो उसकी गुडविल जो है वो क्या करता है, पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, आपके लिए एक एग्जांपल दे रखी है, ठीक है, परचेज गुडविल। कहते अमृत डेली नीड्स एक्वायर द बिजनेस ऑफ श्री शिवम। ठीक है, हम श्री शिवम से ले रहे हैं, तो श्री शिवम हमारा कौन है, वेंडर है जो हमें दे रहा है। ठीक है, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। अब हम कितने में ले रहे हैं, 5 लाख में, ठीक है, पेएबल बाई चेक, हमने सारा पैसा उसे चेक के थ्रू देना है। ठीक है, द एसेट एक्वायर द लाइबिलिटी टेकन। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी बिजनेस लेगा ना, याद रखना वहाँ पे एसेट और लाइबिलिटीज दोनों ही आएंगी। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, एसेट सारे डेबिट होते हैं जब आते हैं। इसने क्या क्या लिया है, फर्नीचर 10,000 का, इन्वेंट्री स्टॉक लिया है 7.5 लाख का, डेटर्स कितने के हैं, 1,50,000 के हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने आ गए हैं, 5,20,000। सैलरीज पेएबल कितनी आ गई हैं, 75,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी हमारी क्या हैं, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये क्या हैं, टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल करो यहाँ पे, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कितनी जाएगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, टोटल 5 लाख, जब हमने अपनी लाइबिलिटीज को टोटल किया, टोटल करके कितना आ गया, 5,20,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 5 लाख, ये आ गया हमारा 11,10,000 रुपये लाइबिलिटी साइड। ठीक है, और एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, 1,10,000, एसेट्स कम है। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, एसेट साइड, वो क्या होगी, गुडविल है, रेपुटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी देनदारियाँ आप ज़्यादा देने के लिए तैयार हो गए हो, उसके एसेट कम के बदले में भी, तो इट मीन्स आप एक्स्ट्रा जो 2 लाख रुपया दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, गुडविल का पे कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखो शिवम, यहाँ पे तो शिवम गिवर दे रहा है, यहाँ पे शिवम लेगा। ठीक है, तो शिवम रिसीवर है, पैसा हमारी जेब से जा रहा है, कितना, 5 लाख। ये हमने 2 एंट्रीज करके दिखानी है। फर्स्ट एंट्री क्या हुआ करती है, फर्स्ट एंट्री हुआ करती है एसेट्स, 2 लाइबिलिटीज, 2 वेंडर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हुआ करती है वेंडर, 2 जो भी प्रिस्क्राइब्ड कैश या फिर बैंक है। ठीक है, ये 2 एंट्रीज आपने इन केस ऑफ परचेज कंसिडरेशन करके दिखानी है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट उसके बाद है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब आपकी खुद की रेपुटेशन। ठीक है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई नहीं बनता, इसलिए ये कभी भी दिखाई नहीं जाती है बैलेंस शीट में। ठीक है, इसको जस्ट हम वैल्यूड करते हैं। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज गुडविल विच इज़ नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन बट इज अर्नड बाय द एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हम कुछ बद दे के किसी को, इसमें हमारे पास से कुछ भी जाता नहीं है। ठीक है, नॉट परचेज फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, हम कुछ देते नहीं किसी को, बट इज अर्नड बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, खुद कमाई जाती है, पार्टनर जो हैं वो खुद एफर्ट करते हैं इसके लिए। ठीक है, इट इज़ एंड इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, खुद जनरेट की जाती है, विच राइज फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जो हमने देखे थे, अगर फेवरेबल कंडीशन है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे आएंगे, हायर प्रॉफिट्स गेन करोगे, हायर प्रॉफिट्स कर रहे हो तो गुडविल आ रही है। ठीक है, That a running business possesses due to which is able to earn higher profits. ठीक है, ये आपको किस योग्य बना देता है कि आप अच्छे profits ले पाते हो। ठीक है, इसके feature क्या है, it is generated normally, ठीक है, internally over the years, ठीक है, और कितने ही साल लग जाते हैं गुडविल को बनाने में। ठीक है, इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट है और वैल्यूअर्स, ठीक है, वो अपने आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टू हम इनको वैल्यूज करते हैं, बींग नॉट बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है ना, कोई एविडेंस नहीं है इसका। ठीक है ना, हर एक पर्सन का सब्जेक्टिव है, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। ठीक है, अब AS 26 प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, एज एन एसेट, मतलब हम इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे,
नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में इसको अकाउंटेड नहीं किया जाता. ठीक है, हम इसके मेथड जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं.